वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हर मौके पर धरना होता है, क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अदब से दरख्वास्त है कि बैठकर मामलात पर सोचना होगा। इस्लामाबाद में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए सवाल उठाया कि मुल्क इस वक्त धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है। उन्होंने मुल्क की खुशहाली के लिए मिल बैठ कर फैसले करने की तजवीज़ भी पेश की। तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई आम है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हो और सियासी इस्तेहकाम हो। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है, तो वो उसकी बात हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आप, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस हज़ार टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन।